नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर में धर्म और राजनीति का रहा संगम, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रविदास मंदिर में नवाया शीश। बताते चलें कि संत रविदास की 644वीं जयंती पर भले ही सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के मंदिर में शीश नवाया, किंतु इसके पीछे सभी सियासी दलों के नेताओं की निगाह आगामी चुनाव में दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में साधने की है। आज सुबह से ही सिर गोवर्धनपुर में विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों की हलचल देखने को मिल रही थी, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले सर्वाधिक समर्थकों की संख्या समाजवादी पार्टी के नेताओं की रही, जिसमें वे अपने युवा नेता अखिलेश यादव को लेकर काफी जोश और खरोश में थे। जब तक अखिलेश यादव मंदिर परिसर में थे, उनके समर्थकों के नारे लगते रहे। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ जब रविदास मंदिर पहुंचे तो सभी की निगाहें उनकी तरफ थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सभा स्थल से संबोधित किया। इस अवसर पर जहां एक ओर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम स्थल सिर गोवर्धनपुर में ही मीडिया से रूबरू हुए, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सर्किट हाउस में मीडिया से प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक फोटो ला दो। पार्टी के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल, कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय, पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद श्रीवास्तव, सुरेश सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश फौजी, महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, मनोज राय धूपचंडी आदि लोग प्रमुख रहे। अरे यार, सर आप अगले दिया रुकेंगे तब तक जीत लेंगे। मैं प्रेस के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हालांकि हमें आपको 2 बजे मिलना था, 3 बजे हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। मैं सबसे पहले संत रविदास जी की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इतना एक दूसरे पे भरोसा, और ये हमारे देश की और समाज की खूबसूरती है कि हम इतनी जाति धर्म के साथ अनेक अनेक परंपराओं को मानने वाले भी एक साथ रह रहे हैं। और आज सबसे ज्यादा हमारे भारत की संस्कृति को, भारत की एकता को और भारत के लोगों के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आज मैं मिर्जापुर में शिविर करके आया हूं
और इन शिविरों के माध्यम से हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को इस बात को जरूर बताते हैं कि आने वाले समय में किस तरह का संकट है, और अगर इस संकट से नहीं बचाया तो हमारे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा, और सोशलिस्ट होना और उस रास्ते पे चलना कितना कठिन काम है, और उसी तरीके से कम्युनल होना बहुत आसान है, लेकिन अपने देश की संस्कृति और सेकुलरिज्म के रास्ते पे चलना मुश्किल है। आज तक जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, भारत के लोगों का नुकसान हुआ है। कहां भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी, इस बजट में एक बार 5 ट्रिलियन की बात नहीं कही, जिन्होंने कहा कि हम वो रास्ता अपना रहे हैं जिससे भारत के ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। उन्होंने अपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी एक बार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का रास्ता नहीं बताया, और वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार कहती थी, अगर दिल्ली की सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपना देख रहे हैं, जिस तरीके से नोटबंदी के बाद पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और जिस तरीके से GST लागू किया गया बिना तैयारी के, जिन कानूनों का सरलीकरण होना था, जिन कानूनों से हमारी अर्थव्यवस्था को और व्यापारियों को सहूलियत मिलनी थी, इतने बड़े पैमाने पर संशोधन होने के बाद भी हमारे व्यापारी निराश हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से हुआ है। जहां किसान हमारे तीनों बिलों को लेकर के धरने पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी का मानना है पहले दिन भी और आज भी वही बात हम कहते हैं, जिस समय ये कानून लागू हो जाएंगे हमारे किसानों के बीच में इन कानूनों से काम होने लगेगा तो ये हमारे किसानों के लिए डेथ वारंट साबित होगा। और हम जानना चाहते हैं कि जो कानून किसानों को नहीं पसंद, आखिरकार वो कानून किसानों पर क्यों थोपे जा रहे हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिस्ड कॉल की परंपरा बहुत निभाते हैं, जब उन्हें सदस्य बनाना होता है तो वो कहते हैं कि हाँ फोन करिए, मिस कॉल दीजिए, हम आपको सदस्य बना देंगे। हम उन्हीं से कहना चाहते हैं कि कम से कम किसानों के लिए वो मिस कॉल नंबर जारी करें जिसपे उन्हें MSP मिल जाएगी, और वो MSP जिसमें उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस का सिलेंडर किसी ने सोचा नहीं था कि डीजल पेट्रोल की देश के अंदर कीमत 100 रुपए के पास पहुंच जाएगी, 100 के करीब पहुंच जाएगी, और वही गरीब जिसको फ्री सिलेंडर दिया गया, उज्ज्वला के नाम पर वोट लिया गया, लेकिन जैसी सरकार आ गई तो आज सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए हो गई। जो कीमत बढ़ाने के बाद मुनाफा आ रहा है, वो आखिरकार मुनाफा जा कहां रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, सरकारें उनकी हैं, जहां जहां से गंगा निकली है अभी तक सफाई का कोई इंतजाम नहीं हुआ, और जहां गंगा में जो नदियां जुड़ रही हैं वो नदियों की भी कोई सफाई नहीं हो रही, चाहे वो यमुना हो चाहे अन्य नदियां देश की जो जुड़ जाती हैं बाद में जाकर के गंगा में। इतना बड़ा धोखा जो मां गंगा को दे सकते हैं, वो अर्थव्यवस्था के नाम पर पूरी भारत की जनता को धोखा दे रहे हैं। इसलिए समाजवादी साथियों ने फैसला लिया, लगातार काम करेंगे और आने वाले समय में 2022 में सरकार समाजवादियों की होगी। कि यहां बनारस में किस बहरहमी से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चली है, मुझे खुशी इस बात की कि पुलिस के लोग उन्हें लाठी मारते रहे लेकिन किसान का नारा और नौजवान का नारा उन्होंने नहीं छोड़ा, और समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने के लिए दुगनी ऊर्जा से और दुगने जोश से जुट गए। नहीं, एक मिनट, ये पत्रकार साथी इतने समझदार हैं, इनसे ये कहिए, मैं कुछ भी कहूं वो कुछ भी कहें, अरे कम से कम सच तो बता दो आप, और अगर आपने सच बता दिया तो जेल अच्छी है बनारस की कि नहीं? हम अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह भाषा इस्तेमाल मत करिए और कांग्रेस जैसी साजिश वाले रास्ते पर मत जाइए। आपका रास्ता साफ है, आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको समाजवादी रास्ता अपनाना है। महिला सम्मान इससे ज्यादा क्या होगा, हमारे बगल में भी महिला बैठी हैं। कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगी, छोटे पार्टियों के साथ गुंजाइश समाजवादी पार्टी रखेगी। जी, पार्टी करेगी। आपकी पार्टी से राम मंदिर में कितना झंडा जाएगा? समाजवादी पार्टी दक्षिणा देने पर भरोसा रखती है और वो गुप्त होता है।
हमारी वैदिक परंपराओं में, हमारी माइथोलॉजी में, हमारे धर्म में चंदा शब्द कहीं नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने अब चंदा शब्द ही बदल लिया जब से हमने चंदा पे सवाल उठाया। अब वो दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन याद कीजिए पहले दिन क्या कहा था, समाजवादी पार्टी दक्षिणा देती है, दक्षिणा देगी, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अभी भी मंदिर होकर के आए, दक्षिणा देकर के आए। आज से 10 साल पहले भी हम किसी मंदिर में गए होंगे, वहां दक्षिणा दी है। ये फर्क समझिए आप। ये जो रिवर्स साफ करने का तरीका है कि रिवर्स कैसे साफ बहे हमारे शहर में, जो गोमती मॉडल है वही अंतोगत्वा सरकारों को अपनाना पड़ेगा कि एक भी नाला नदी में न जाए। अगर कोई नाले का गंदा पानी जाए तो वो साफ होकर के जाए। और यही पहला गंगा एक्शन प्लान था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने सालों के बाद गंगा नहीं साफ कर पाए। आप लखनऊ में 900 मीटर केवल सड़क जोड़ देंगे, पहला शहर होगा देश का जिसमें शहर के अंदर पूरी साफ सुथरी गोमती चल रही होगी। क्या आदरणीय ममता बनर्जी जी को यह कहना चाहिए कि पोलिंग एजेंट के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होना चाहिए। अगर एजेंट अंदर नहीं हुआ तो उम्मीद नहीं कर सकते हो कि फेयर इलेक्शन होगा। ये दिल्ली की सरकार और दिल्ली की जो फोर्स है वो आपके पोल बूथ के जो एजेंट होते हैं बाहर कर देते हैं। मैं फिर एक बार कहता हूं पत्रकार साथियों से कि जिन्होंने क्योटो देखा हो वो हाथ खड़ा कर दे। और इसमें शायद मैं अकेला ही हूं जिसने क्योटो देखा है। मैं आपसे कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से 1000 साल में भी बनारस क्योटो नहीं बन सकता। आपको स्मार्ट सिटी मिली कि नहीं मिली, वो कितने कदम आगे गया। और अगर स्मार्ट आदमी देखना है आपको, नीरज पहलवान सामने आ जाओ, ये खड़े रहो। ये ऐसा स्मार्ट आदमी है कि चीता को मुकाबला कर लिया इसने। ये इसलिए मैं पर्चे करा रहा हूं इसके, क्योंकि इन्होंने चीता से लड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि लाइन सफारी चालू हो। और देखो जब शेर चाहिए थे तो वहीं से 2 शेर, 1 शेर 1 शेरनी लेके जा रहे अपने चिड़ियाघर में। हमारे मुख्यमंत्री जी को यही फर्क नहीं पता है कि जू क्या है, सफारी क्या है। अगर यही जानते होते तो शेर को क्यों छोटे पिंजरे में डालोगे। शेर रहता है खुले बड़े इलाके में। तो वो इलाका है हमारा चंबल का, यमुना का, वही जो जहां पर आज लाइन सफारी है। कभी संकट मोचन मंदिर के दर्शन नहीं किए, इस बार ऐसा क्यों? मैं सरकार से पहले भी गया था संकट मोचन के पुजारी, और जब हमारा पर्चा नहीं था, एमपी था मैं, तब गया हूं मैं संकट मोचन में। अरे हम न जाने कितनी बार गए मंदिर में। लेकिन ये जमाना ऐसा है, बीजेपी ने कहा है कि अगर कोई पूजा करते हो तो उसका प्रचार करो। देखिए आज संत श्री रविदास जी की 644वीं जन्म जयंती के अवसर पे मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिनिधि के नाते उनकी संदेश लेके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज इस पुण्य भूमि में आया हूँ। यहाँ अभी मेरा सौभाग्य हुआ पुण्य भूमि को, जन्म स्थान को नमन करने के लिए। महाराज निरंजन दास जी का भी दर्शन हुआ, उनकी सानिध्य मिला, प्रधानमंत्री जी की संदेश उन तक मैंने पहुंचाया, उन्होंने भी अपने आशीर्वाद और अपना संदेश प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई है। मैं इसको माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। संत रविदास जी की जीवन भारतीय मूल्य पे आधारित था, सदाचार, प्रेम, समरसता उनकी विचार की मूल कणिका रही है कि आज 21वीं सदी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम चली है उसमें संत श्री की आशीर्वचन, संत श्री की कही गई विचार हमें प्रेरित करेगा। धर्मेंद्र जी, संत रविदास मंदिर में आज प्रियंका गांधी भी हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी हैं, आप भी आए हैं, कहीं ना कहीं सियासी रंग दिखाई दे रहा है। ना, देखो संत की शरण में भारत की सारे प्रबुद्ध जनों को जानी चाहिए। इस परिसर की सौंदर्यीकरण के बारे में उत्तर प्रदेश शासन जो काम कर रहे हैं उसके बारे में मैंने अपेक्षा रखा। धर्मेंद्र जी, पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़े हैं, रेट बढ़ते ही आज फिर बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम, ये लॉजिक क्या था इसके पीछे? देखिए ये सारा विषय धीरे धीरे नियंत्रण में आना चाहिए। मैं कल भी कहा था, पहले भी कहा हूँ
हमारी आवश्यकता की 80-85% हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों की उछाल के कारण ऐसे विषय को हमको सामना करना पड़ता है। हम उत्पादनकारी देशों को निरंतर समझा रहे हैं, अपील कर रहे हैं। एज ए कंज्यूमर, उपभोक्ताकारी देश के नाते हम अपने अपेक्षा को पुरजोर रख रहे हैं कि आज अखबारों में आई है, लंबे अरसे के बाद अर्थनीति पिछले क्वार्टर में पटरी पे आई है। अभी कोरोना की विभीषिका के उपरांत देश की मेहनत के कारण, प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट नीति निर्देश के कारण देश की अर्थनीति पटरी में आई है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।